डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग इंटीग्रेटेड सर्किट के बारे में पढ़ेंगे यूजिंग ऑप एम ऑपरेशनल एम्पलीफायर। सो सबसे पहले कि ऑप एम का मतलब हो गया ऑपरेशनल एम्पलीफायर, जैसे कि हम लोग जानते हैं, और उसके यूज करके हम एक बनाएंगे इंटीग्रेटर। इंटीग्रेटर का मतलब ये हुआ कि एक ऐसा सर्किट जो आउटपुट में इनपुट को इंटीग्रेट कर दे, जो भी हम इनपुट दें उसको आउटपुट में इंटीग्रेट कर दे। तो इसको हम डिफाइन करते हैं कि द ऑप एम सर्किट विच इंटीग्रेट्स इट्स इनपुट एट द आउटपुट साइड इज नोन एज इंटीग्रेटर सर्किट। क्लियर है? तो और इसका सर्किट डायग्राम, द सर्किट डायग्राम ऑफ बेसिक इंटीग्रेटर सर्किट यूजिंग ऑप एम इज शोन इन द फिगर। ये जो फिगर है बेसिकली जो यहाँ पे दिया हुआ है, ये फिगर हमारा ऑपरेशन एम्पलीफायर का फिगर है जो कि इंटीग्रेटेड बनाया गया है। इसका ऑपरेशन एम्पलीफायर का यूज करके इंटीग्रेटर हमने यहाँ पे बनाया हुआ है। अब हम बेसिक सर्किट डायग्राम में देखें कि क्या डिफरेंसेस है। जैसा कि हम जानते हैं कि जब हम माइनस, माइनस क्या कहलाता है, इन्वर्टिंग इनपुट कहलाता है, प्लस क्या कहलाता है, प्लस नॉन इन्वर्टिंग इनपुट कहलाता है ना। तो माइनस पे हमने क्या किया है कि इनपुट वी इनपुट दिया हुआ है, और प्लस को हमने क्या किया हुआ है, ग्राउंड किया हुआ है ना। और इनपुट साइड में यानी कि वी इनपुट पे हमने एक रेजिस्टेंस लिया है आर वन, और जहाँ पे हम लोग आर एफ यूज़ करते थे जब इन्वर्टिंग एम्पलीफायर का डेरिवेशन देखेंगे, उसकी जगह पे हमने ले लिया है सी एफ यानी कैपेसिटर लगा दिया हुआ है। ठीक है, ओके। सो अब इंटीग्रेटर सर्किट का डायग्राम हम यहाँ पे देख लिया। अब इसको हम देखते हैं कि कैसे इसको सॉल्व करेंगे। जैसा कि हमने इन्वर्टिंग एम्पलीफायर को सॉल्व किया था, सिमिलरली सबसे पहले हम क्या देखते हैं, पॉजिटिव टर्मिनल को। अगर पॉजिटिव टर्मिनल ग्राउंड है तो निगेटिव टर्मिनल भी ग्राउंड होगा, जिसको कि हम लोग क्या बोलते हैं, वर्चुअल ग्राउंड कॉन्सेप्ट। तो फ्रॉम वर्चुअल ग्राउंड कॉन्सेप्ट, चूंकि वोल्टेज एट पोटेंशियल ए इज इक्वल टू वोल्टेज एट पोटेंशियल बी इज इक्वल टू जीरो, क्योंकि वी ए यानी कि पोटेंशियल पे ए पे ग्राउंड है, इसलिए बी भी ग्राउंड होगा। अब अप्लाई करते हैं के सी एल एट नोड बी। नोड बी कहाँ पर है, ये नोड बी है ना। तो अगर हम इस पे KCL अप्लाई करें तो इस पे एक इनकमिंग करंट है जो I1 है, और दूसरी एक आउटगोइंग करंट है जो कि IF है ना। तो इनकमिंग करंट इज इक्वल टू आउटगोइंग करंट, और I1 की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, IF के बराबर हो जाएगी, किसकी, इसके अलावा दूसरा कोई करंट है नहीं यहाँ। ठीक है, अब चलते हैं हम। अब I1 एंड IF को, क्योंकि करंट है तो करंट को हम V बाई R लिख सकते हैं। तो सिमिलरली I1 एंड IF को हम कन्वर्ट कर देंगे कि वोल्टेज के टर्म्स में। सो करंट कहाँ से कहाँ के बीच में आयन फ्लो हो रही है, वी इन, ये वी इन से लेके इस वी बी के बीच में है ना। लेट्स चेक इट आउट हियर। सो ये है हमारा वी इन पॉइंट, यहाँ से लेके और यहाँ तक मेरी आई वन करंट फ्लो हो रही है ना, दिस इज आई वन करंट। तो इसका मतलब होगा वी इन माइनस वी बी डिवाइड बाई आर वन, ये सही है। लेकिन यहाँ पे करंट फ्लो रही है कैपेसिटर के अक्रॉस, और कैपेसिटर के अक्रॉस जो करंट होता है वो V बाई R के टर्म्स में नहीं लिखा जाता है, वो लिखा जाता है C इंटू डी वी बाई डी टी, यानी कि कैपेसिटर और जितना भी वोल्टेज होगा उसका डिफरेंशिएशन। तो यहाँ पे देखते हैं IF की जगह पे C इंटू डी वी बाई डी टी लिखेंगे, तो C की जगह पे हमारा क्या है, CF है, डी बाई डी टी, और V के जगह पे V कहाँ से कहाँ के बीच में है, VB से लेके V आउटपुट के बीच में, तो VB माइनस V। ठीक है, क्लियर। सिमिलर जैसा कि हमने इन्वर्टिंग एम्पलीफायर में किया था, अंतर क्या है कि यहाँ पे कैपेसिटर यूज किया हुआ है, तो कैपेसिटर के अक्रॉस जो करंट होगा उसकी वैल्यू हम यहाँ पे रख देंगे। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब हम जो इक्वेशन वन में हमने रखा है कि वी ए इजकल टू वी बी इजकल टू जीरो, उसकी वैल्यू हम इक्वेशन थ्री में पुट करेंगे, और उसकी वजह से जो मेरा इक्वेशन बनेगा वो वी इन बाई आर वन, क्योंकि वी बी की वैल्यू जीरो हो जाएगी, और सी एफ डी बाई डी टी इंटू माइनस वी आउटपुट, क्योंकि वी बी माइनस वी आउटपुट है तो वी बी जीरो हो गया, बचा यहाँ पे माइनस वी आउटपुट। मुझे क्या चाहिए, आउटपुट निकालना है, क्योंकि हमें फाइनली डिराइव क्या करना है कि आउटपुट की वैल्यू यहाँ पे क्या आएगी है ना। तो आउटपुट की वैल्यू हमें यहाँ पे निकालने के लिए, इसके लिए क्या करेंगे कि क्योंकि ये डिफ्रेंशिएशन में है तो दोनों साइड हम इंटीग्रेट कर देंगे। तो टू फाइंड आउट द वी आउटपुट, वी इंटीग्रेट द इक्वेशन नंबर फोर बोथ साइड, दिस साइड एंड दिस साइड, बोथ साइड हम क्या करेंगे, आउटपुट को मतलब दोनों साइड इक्वेशन नंबर फोर को इंटीग्रेट कर देंगे। इंटीग्रेट करने की वजह से क्या होगा, ये डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन कैंसिल आउट को क्या मिलेगा, सिर्फ मुझे वी आउटपुट मिलेगा है ना, और दैट मीन्स यहाँ पे सी एफ इंटू वी आउट, ओके वी आउट।
वन बाई, अब यहाँ पे देखिए वन बाई आर वन क्योंकि हमने क्यों बाहर लिया है, क्योंकि ये कॉन्स्टेंट टर्म है। इनपुट वेरिएशन क्योंकि हम यहाँ पे इनपुट जो है वेरिएबल ले रहे हैं, ये हमारा इनपुट है। और माइनस सी एफ जो होगा वो ऑलरेडी यहाँ बच जाएगा और यहाँ पे वी आउटपुट बच जाएगा। तो वी आउटपुट निकालने के लिए क्या करेंगे, ये माइनस सी एफ जो मल्टीप्लाई में है यहाँ पे इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो मेरा फाइनल आउटपुट क्या मिलेगा, वी आउटपुट इज इक्वल टू माइनस को भी मैं इधर लेके आ गया, माइनस वन डिवाइड बाई आर वन इंटू सी एफ एंड इंटीग्रेशन ऑफ वी इन डी टी। तो दिस इज आवर इंटीग्रेटर आउटपुट। आप देख सकते हैं कि आउटपुट ऑफ इंटीग्रेटर इज नथिंग बट इंटीग्रेशन ऑफ इनपुट। और ये जो टर्म्स है ये कॉन्स्टेंट टर्म है, यानी कि जो आर एंड सी का वैल्यू हम रखेंगे उसके हिसाब से हमें एम्पलीफाइड होके आउटपुट आएगा। ये है हमारा इंटीग्रेटर सर्किट। और मुझे उम्मीद है कि ये आपको पूरी तरह समझ में आएगा, बहुत ही सिंपल है, मात्र तीन से चार स्टेप हैं इसके अंदर। देख सकते हैं हम दोबारा, आई विल रिवाइज इट आउट, कि सबसे पहले हमने वर्चुअल ग्राउंड कर दिया इसको, वर्चुअल ग्राउंड के बाद हमने केसीएल लगा दिया नोड बी पे, नोड बी पे केसीएल लगाने के बाद यहाँ पे आई वन इजकल टू आई एफ कर दिया, इसके अक्रॉस हमने वोल्टेज लिख लिया क्योंकि ये रेजिस्टेंस के अक्रॉस वोल्टेज है, आई की वैल्यू है सॉरी, और ये जो है वो करंट की वैल्यू है कैपेसिटर के अक्रॉस, तो उसके अक्रॉस कैपेसिटर की वैल्यू सी इंटू डी वी बाई डी टी होती है, इसलिए हमने इसको ऐसे लिखा। एंड फिर हमें इक्वेशन वन से की वैल्यू इक्वेशन नंबर थ्री में पुट करेंगे और इक्वेशन थ्री की वैल्यू इक्वेशन फोर में यहाँ पे पुट करेंगे और फिर यहाँ पे दोनों साइड में हम इंटीग्रेट कर देंगे। इंटीग्रेट करने के बाद जो हमारा आउटपुट आएगा वो ये आउटपुट मिलेगा, है ना। इंटीग्रेट करने के बाद वी आउटपुट की जो वैल्यू होगी इतना हो जाएगा। थैंक यू।